बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ कीमे वाला पिज़्ज़ा और सबसे पहले डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, गर्म पानी लेना है हसबे ज़रूरत, और जो है ना 1 पंच लेना है हमने नमक, 1/2 टीस्पून लेना है हमने चीनी, और 1 टेबल स्पून लेना है हमने यीस्ट, और 3 से 4 टेबल स्पून लेना है हमने ऑयल। चलिए फिर सबसे पहले अपनी डो को रेडी कर लेते हैं। और अब मैं एक बाउल लूँगी, तो सबसे पहले अब हमने बाउल में मैदे को छान लेना है। देखिए पहले मैंने 1 कप डाला है मैदा और उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। अब हम 2 कप भी डाल देंगे इस तरह से, और इसको भी हमने छान लेना है जी। तो व्यूअर्स, मैदा मैंने छान लिया है और अब बाकी की चीज़ें से मिक्स करूँगी। सबसे पहले यीस्ट डाल दिया है, चीनी डालना है, नमक और ऑयल। सबसे पहले हमने इसको हल्के से हाथों से मिक्स कर लेना है, अभी पानी नहीं डालना है। अच्छा, पानी आपने जो है ना नीम गर्म लेना है। इससे क्या होता है कि डो हमारी अच्छी बनती है, ठंडा पानी यूज़ ना करें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपने हाथों से इसका आटा गूंद लेना है। जिस तरह से हम लोग आटा गूंदते हैं, सेम इस तरह से जो है ना हमने आटा गूंद लेना है। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी डो रेडी हो गई है और अब हम इसको मज़ीद नीड नहीं करेंगे। अब हमने बाउल से जो है ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से अब हमें इस पर रख देना है अपना ये जो हमने डो तैयार की है। अब इसके ऊपर हमने मज़ीद ऑयल लगा लेना है। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसको हमने रैप कर रहे हैं जी। तो आप चाहें तो आप इसको जो है ना टॉवल वगैरह के साथ भी रैप ढांप के रख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए साइड पे रख देना है ताकि डो हमारी डबल हो जाए। तो अब एक पैन लेंगे, इसमें मैंने लिया है 4 से 5 ऑयल के चम्मच। ऑयल को गर्म करेंगे, साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को गोल्डन कर लेना है हमने। ये देखें प्याज गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कीमा। ये कीमा लिया है मैंने 300 ग्राम। सबसे पहले हमने इसको कीमे को फ्राई कर लेना है इसमें। देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लेना है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से पानी खुश्क ना हो जाए और कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें डालूँ मिसाले, 1 चम्मच मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, और 1/2 चम्मच डाली है हल्दी, 1 चम्मच डाला है सूखा धनिया। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी हमने इसमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो व्यूअर्स, इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, इसको 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देना है। तो जी 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है बिल्कुल। मज़ीद इसको जो है ना हम चम्मच चलाते हुए पका लेंगे, जो कि पानी अगर बच गया है तो वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो जनाब, यहाँ पे अब मेरी जो है ना कीमा रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमने डो बनाई थी वो रेडी हो चुकी है। ये देखें डबल साइज़ की हो गई है। अब हमने इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से नीट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल हमने 4 से 5 मिनट इसको नीट करते रहना है, जिस तरह हम आटे को गूंद लेते हैं। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हुई है। नीट करने के बाद इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि मैंने ये 2 पिज़्ज़े बनाने थे। तो अब एक मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसको मैंने पहले ऑयल के साथ ग्रेस कर लिया था, और वहीं जो 1 पेड़ा मैंने लिया था उसको इस पर हमने फैला देना है। ये देखिए इस तरह से अपने हाथों से प्रेस करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से पूरे पैन पर फैला देना है, सेट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल हमारा जो है ना आराम से सेट हो रहा है। ये देखिए अब हमारा जो है ना ये रेडी हो गया है पैन। अब हमने इसको 1 कांटे की मदद से इस पर निशान लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से।
सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस। सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। जी ना, पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर चीज़, अब है मोज़ेला चेदर चीज़। तो ये मैंने सबसे पहले इस पर चेदर चीज़ लगाई है और अब मैं डाल रही हूँ कीमा। हमने एक साथ इस तरह नहीं डालना है, आराम से फैलाते जाना है जगह जगह से। ये देखिए, तरह से हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है। और मुझे जो है चिकन पिज़्ज़ा से ज़्यादा ये कीमे वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, चाहे वो जो है ना कि चिकन का कीमा हो, बीफ का कीमा हो या मटन का कीमा हो। तो ये मैंने लिया था बीफ कीमा। ये देखिए, कीमे को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने इस पर मज़ीद चीज़ डालनी है। ये देखें, बिल्कुल भी जो है ना, हमने इसको चीज़ से फिल कर देना है। साथ ही इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डालूँगी, मतलब शिमला मिर्चें, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, और प्याज लगा लेने हैं। आपकी जो मर्ज़ी आए, आप वेजिटेबल्स लगा सकती हैं, जिस तरह से आपका दिल चाहे आप उसी तरह से इसको सजा सकती हैं। तो जी, अब मैं रख रही हूँ इसके ऊपर टमाटर, मज़ीद डेकोरेट कर रही हूँ इसको, और मज़ीद इसके ऊपर चीज़ भी लगा रही हूँ। तो जनाब, यहाँ पे जो है ना, मैंने सेट कर लिया है। और अब इस पर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, अपने हाथों से मदद से मैं इसको डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ओवन को 15 मिनट पहले ही गर्म कर रखा था, और अब मज़ीद इसको मैं पहले ऑफ करूँगी, और अब इसमें मैंने जो है ना ये पिज़्ज़ा रख देना है। जी जनाब, तो टाइमर भी हमने लगा देना है। रखने के बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए पकाना है, और 180 डिग्री पे हमने सेट किया है। तो जी, 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है, और अब इसको हम निकाल लेते हैं। जी जनाब, फाइनल लुक आ गई है और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना हुआ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैं अब इसको कट लगा रही हूँ। ये देखिए, इस अगर इसको गरम गरम कट लगा लेंगे तो ईजी कट जाता है, तो अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो कटिंग करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं इसको गरम गरम ही कटिंग कर रही हूँ। तो जनाब, अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।